हिंदुस्तान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। खबर रेवाड़ी के बावल से। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का मनेठी एम्स पर बड़ा बयान, नवंबर तक रखा जा सकता है शिलान्यास का पत्थर। एम्स के लिए 228 एकड़ जमीन का हो चुका है चुनाव। किसानों को मुआवजा देने की चल रही है प्रक्रिया। एससीओ के लिए और जमीन की आवश्यकता। विपक्ष द्वारा कोविड-19 की दूसरी लहर में जनता के बीच न रहने के आरोप पर कहा, कोविड-19 के अंदर ज्यादा हिम्मत दिखाता तो हो सकता था बीमार होने की बजाय एक जगह बैठ कर किया काम। विपक्ष के लोग कोविड समाप्त होने पर तो खींचवा कर कहते हैं, राव इंद्रजीत सिंह हो गए गायब। राव इंद्रजीत सिंह एक जगह बैठकर लोगों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की कर रहे थे व्यवस्था। रेवाड़ी ही नहीं पूरे हरियाणा के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की कर रहे थे व्यवस्था। उस समय विपक्ष के लोग दुबके रहे घरों में, कोविड की लहर समाप्त होने लगी तभी घर से निकल कर फोटो लगे खींचवाने। कहा, देश के सामने आ रही है दिक्कतें। चाइना पाकिस्तान पहले से ही घूर रहे थे, अब अफगानिस्तान और आ गया। अगर शहीदों को अभी नमन नहीं किया तो आगे कौन होगा शहीद। बावल व रेवाड़ी में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की रखी आधारशिला। नगर परिषद के कार्यक्रम में कोविड-19 की उड़ी धज्जियां। मंच से ही राव इंद्रजीत सिंह ने लोगों को चेताया। इस मौके पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, सुनील मूसेपुर, नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव, निवर्तमान जिला प्रमुख शशि बाला, भाजपा नेत्री वंदना पोपली, भाजपा जिला अध्यक्ष हुकम चंद यादव सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बढ़िया जगह पर साल जो बना था खुला एरिया हो, तो ये हम कोशिश